नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ए के बुक रीडर्स पे फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। जानिए अमीर लोग अपने बच्चों को कौन से सीक्रेट बताते हैं जिनसे वे और अमीर बनते जाते हैं, वहीं मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी तक ही सीमित रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये ऑडियो सिर्फ आपके लिए है। फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए ये किताब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब मानी गई है। किताब में अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट बताए गए हैं जिन्हें आप जानकर अमीर बन सकते हैं। यहाँ इस किताब की समरी हम आपको सुनाएंगे। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इसमें उन्होंने अपने दो पिताओं से जो सीखा है उसी के बारे में बताया है। उनके दो डैड थे। पहले जो उनके असली पिता थे वो प्रोफेसर थे, फिर भी गरीब थे। उनके दूसरे डैड जो वास्तव में उनके दोस्त माइक के पिता थे, वो स्कूल से ड्रॉप आउट थे लेकिन फिर भी अमीर थे। लेखक ने अपने दोस्त के डैड को भी अपना डैड मान लिया है और उनसे रिच डैड बनने में काफ़ी गुर सीखे हैं। इस किताब के 6 चैप्टर हैं जो किताब के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है और हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 चैप्टर, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। नंबर 2, लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। नंबर 3, अपना बिजनेस करें। नंबर 4, टैक्स और कॉरपोरेशंस का इतिहास। नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। तो आइए हम सबसे पहले नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, यानी जिन्हें वो अपना रिच डैड मानते हैं, उनसे पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते के सिर्फ 20 रुपये देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान लें और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज़्यादातर जॉब ऐसी होती है, 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पायरेशन मिला। उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा था कि वहाँ माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया गया। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर दी थी। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था, और अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की ज़रूरत नहीं थी। चैप्टर नंबर 2, लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है जिससे हम अच्छी नौकरी पा सके। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन वो 9 से 5 वाली रेट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमा कर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं, कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इस रेट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में बताया है वो है एसेट एंड लाइबिलिटीज की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े MBA करने वालों से भी आगे निकल जाएंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं एसेट एंड लाइबिलिटीज होती क्या है। एसेट, जो भी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है। लाइबिलिटी, जो भी चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लाइबिलिटीज है। Example 1, अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो आपकी सिर्फ लाइबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हैं अगर आप उसे ओला उबर से लिंक कर दें और ड्राइवर रख लेते हैं, तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो दोस्तों, है ना नॉर्मल सा ट्रिक। Example 2, अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वो आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हैं 25 साल तक किस्त भरते भरते, वो भी ब्याज के साथ। इसके विपरीत, अगर आप उस 50 लाख को FD और PPF में रखते हैं तो वही पैसा 10-15 साल में दोगुना हो जाएगा।
फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री में होगा। फिर उस घर का कोई खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं या एयरबैंड से लिंक कर सकते हैं, इस तरह से वो आपका एसेट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, MBA वालों को भी ये सब नहीं पता होता, इसीलिए वे भी नौकरी ही कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं एसेट कितने तरह के होते हैं। लेखक ने निम्न 6 तरह के एसेट बताए हैं। नंबर 1 स्टॉक्स, इसमें शेयर और म्यूचुअल फंड आते हैं। नंबर 2 बॉन्ड्स, या बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड मिल जाते हैं। नंबर 3 रियल इस्टेट, जमीन का प्लाट या किराए पर घर देना। नंबर 4 नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। नंबर 5 रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज म्यूजिक, नॉवेल एंड पेटेंट। आप यदि कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। नंबर 6 बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जैसे वेबसाइट, ब्लॉग, कॉमर्स। तो दोस्तों, आप भी एसेट जमा कीजिए, लाइबिलिटीज नहीं। बहुत से लोग पहली ही सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं, ये अमीर बनने के लक्षण नहीं है। बनावटी अमीर तो आपको आसपास बहुत नजर आ जाएंगे, बड़े बड़े घर होंगे लेकिन लोन की किस्तों पर भर रहे, बड़े बड़े घर होंगे लेकिन लोन की किस्तें भर रहे होंगे, या बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। चैप्टर नंबर 3 माइंड योर ओन बिजनेस, अगर अमीर बनना है तो अपना बिजनेस लगाएं, जॉब करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। एग्जाम्पल नंबर 1, एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेस खोल दी। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना पैसा कमा सकता है? नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 बर्गर किंग, बर्गर किंग केवल बर्गर बेचता है जिसे कोई भी बना सकता है। तो दोस्तों, इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि जरूरी नहीं हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल आदि ही करें, जिसके लिए बहुत दिमाग और पैसे की जरूरत है। आप छोटा प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं जो आसान हो। असंख्य बिजनेस हो सकते हैं, आप वो चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और कुछ समझ भी। चैप्टर नंबर 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ द कॉरपोरेशंस, टैक्स और कॉरपोरेशंस का इतिहास। दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट तरीका होता है, वो कॉरपोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सी रियायतें देती है। मान लीजिए किसी को कार लेनी है तो वो उसे अपने नाम पर नहीं अपनी कंपनी के नाम पर लेगा, इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर लेगा। वैसे ही विदेश यात्रा पर जाना हो तो उसे कंपनी के नाम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। इसी तरह से अमीरों के पास बहुत से तरीके होते हैं, और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी सबको पता होगी, कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं, फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं, और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि यही कानून का लूप होल है। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो एक एक पाई चुकानी पड़ती है, अगर नहीं चुकाएंगे तो सजा दी जाती है। चैप्टर नंबर 5 द रिच इन्वेंट मनी, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि किस तरह वो पैसे का आविष्कार करते रहते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था, बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली, उसके बाद उसका रिनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया, वहां गार्डन लगवाए और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेच दिया। नंबर 2, एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाया, लेकिन उसे बिजनेस करना नहीं आता। उसने लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिए, इससे वो और भी रिच होता गया। तो देखा दोस्तों, अमीर कैसे और अमीर बनते रहते हैं, और मिडिल क्लास कैसे सारी जिंदगी नौकरी में खपता रहता है। और ये सच है कि पैसे से ही पैसा बनता है। चैप्टर नंबर 6 वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहां से पैसों की उम्मीद ना रखें, बल्कि सीखें कि हर चीज कैसे की जाती है। बिजनेस कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। नंबर 1 द कैश फ्लो मैनेजमेंट, इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है, इन्वेस्टमेंट कहां से लाएं, सैलरी कैसे देते हैं इत्यादि। नंबर 2
मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग इत्यादि। नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है एम्प्लॉय से कैसे डील किया जाता है। जैसे कोई भी कंपनी ऑनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करती, इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉय होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर इत्यादि। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर MBA को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन 95% दूसरों के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि इस सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए, इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।